हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन बटरफ्लाई। बहुत ही इजी और टेस्टी स्टार्टर है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन इस तरह छोटे छोटे साइज के लेने हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, दो बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसको हमने घोल लिया है। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने टूथपिक लिया है। आलू को हम घोल में डालेंगे। अब हम चिकन के पीस और आलू को इस तरह टूथपिक में लगा लेंगे। ये देखिए, इसको हमने बना लिया है। इसका साइज हमने 1 बाइट का रखा है। आप इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद चिकन को फ्राई करेंगे। इसको हम अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने फ्राई कर लिया है। चिकन को हम निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और हमारी चिकन बटरफ्लाई तैयार है। बहुत इजी और टेस्टी स्टार्टर है। इस रमज़ान आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल इंडियन जायका को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मटर कचौरी की रेसिपी। ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। 2 कप हमने मैदा लिया है। ये वज़न में 500 ग्राम है। इसको हम छान लेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप तेल डालेंगे, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पराठे के जैसा डो तैयार करेंगे। ये देखिए, डो को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए, 2 कप पानी इसमें हमने लिया था और ये आधा कप पानी बच गया है। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम मटर की स्टफिंग के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे,
चार से पांच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, पांच से छह लहसुन की कलियां डालेंगे, पांच से छह हरी मिर्च डालेंगे। इसको हमने दो टुकड़ों में काट लिया है। यह हमने हरा धनिया डंटी के साथ लिया है। अब हम इन सबको दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे। इसको हम दो मिनट भून लेंगे। दो कप हरा मटर डालेंगे। मार्केट में बिल्कुल फ्रेश मटर मिलता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको बारीक फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लेंगे। ये देखिए, 6 मिनट हो गए हैं और हमारा मटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको इस तरह मैश कर लेंगे। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और हमारा मटर की स्टफिंग तैयार है। अब हम डो को हाथों से थोड़ा गूंद लेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। इसको हम हाथों से इस तरह फैला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच मटर का स्टफिंग डालेंगे और इस तरह ऊपर से बंद कर लेंगे। ऊपर से हम इसको हल्का सा दबा देंगे और हमारी एक कचौरी तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, तेल डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद कचौरी डालेंगे। इसको हम एक साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्लेम को हमने बारीक रखा है। फुल फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से पक जाएगी। ये देखिए, एक साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ये देखिए, कचौरी को हमने फ्राई कर लिया है। कचौरी को हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि हमारी क्रिस्पी कचौरी तैयार हो। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और हमारी हरे मटर की क्रिस्पी कचौरी तैयार है। ये देखिए, कितनी क्रिस्पी बनकर हमारी कचौरी तैयार हुई है। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल इंडियन जायका को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे चिकन कटलेट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, एक छोटा चम्मच कुटा हुआ अदरक डालेंगे, एक छोटा चम्मच बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे। एक मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे।
प्याज को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। एक कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। इन दोनों को 1 से 2 मिनट तक बारीक फ्लेम पर भून लेंगे। दो सौ पचास ग्राम बॉइल चिकन डालेंगे। इसके हमने रेशे निकाल लिए हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच दूध डालेंगे। दो बड़ा चम्मच केचप डालेंगे। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक बारीक फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, ग्लास से इस तरह काट लेंगे। आप किसी बाउल से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए सारे ब्रेड को हमने शेप दे दिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, ब्रेड के ब्राउन वाले हिस्से डालेंगे। इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए ब्रेड को हमने पीस लिया है। अब हम मैदे का घोल तैयार करेंगे। घोल बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। एक बड़ा कप मैदा डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। ये देखिए घोल तैयार हो गया है। अब हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के ऊपर 1 चम्मच चिकन का मिक्सचर डालेंगे। इसके ऊपर एक और ब्रेड डालेंगे। और हाथों से अच्छे से दबा देंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स और मैदे का घोल लेंगे। कटलेट को घोल में डिप करेंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम में डिप करेंगे। ये देखिए कटलेट में अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग गया है। इसी तरह सबको हम बना लेंगे। आप इसको एक सूखे डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 3 बड़ा कप तेल डालेंगे। तेल को हम फुल फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसको बारीक फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। कटलेट डालेंगे। कटलेट को 1 से 2 मिनट तक एक साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। कटलेट को अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए कटलेट फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बचे हुए को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कटलेट फ्राई हो गया है। हमारा चिकन कटलेट तैयार है। इस रमजान आप इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल इंडियन जायका को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग?
आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन ब्रेड रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद बटर डालेंगे। दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 200 ग्राम चिकन डालेंगे। चिकन को हमने बारीक काट लिया है, इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। एक शिमला मिर्च डालेंगे। एक कप पत्ता गोभी डालेंगे। एक गाजर डालेंगे। 3 हरी मिर्च डालेंगे। इन सबको हमने बारीक काट लिया है। सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे। एक बड़ा चम्मच मेयोनीज डालेंगे। एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। एक छोटा चम्मच वाइट वेनेगर डालेंगे। बटर में नमक होता है, मेयोनीज और सेजवान चटनी में भी नमक होता है। यहाँ पर आप नमक चेक करके डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक बारीक फ्लेम पर भून लेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन का मिक्सचर तैयार है। गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब हम बाउल लेंगे। 2 अंडे डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इसको हमने बेल लिया है। ब्रेड के साइड वाले हिस्से को हम काट लेंगे। ब्रेड के साइड वाले हिस्से से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। 2 चम्मच चिकन का मिक्सचर डालेंगे। ब्रेड के साइड में अंडे का घोल लगा लेंगे। और दोनों साइड को अच्छे से दबा देंगे। अब हम ब्रेड रोल को अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स को रोल में अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए हमारा रोल तैयार है। अब हम इसी तरह सभी को बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डालेंगे।
तेल गरम होने के बाद एक एक करके रोल डालेंगे। एक साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। रोल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ये देखिए रोल फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन ब्रेड रोल तैयार है। रमज़ान में सभी के घर तो मेहमान आते ही है। आप अपने मेहमान के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल इंडियन जायका को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर हमें खुशी मिलती है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।